गॉडलव सिस्कॉन की नॉवलाइजेशन में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई गई हैं, खासकर रेन सेरिज़ावा के बारे। मूवी में रेन के कैरेक्टर के बारे ज़्यादा नहीं बताया गया, पर रेन एक्चुअली गॉडलव अपना भाई समझता था, क्योंकि उसके पिता इशिरो सेरिज़ावा गॉडलव पर ज़्यादा ध्यान देते थे अपने बेटे की तरह, और आखिरकार उसके लिए ही मर गए। जब रेन मेका गॉडलव को कंट्रोल करते हुए बीम की मदद से स्कल क्रॉलर को मार डालता है, तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे ये विश्वास हो गया था कि वो और उसका भाई यानी गॉडजिला अब बराबर हो चुके हैं। अब वो भी गॉडजिला के साथ लड़ सकता है और शायद उसे हरा सकता है। मेका गॉडजिला में हॉलो अर्थ एनर्जी डालने के बाद जब रेन मेका गॉडजिला को कंट्रोल करने लगता है, तो उसे काफ़ी अजीब लगता है। उसे लगता है कि कोई लाइफ एनर्जी मल्टीप्लाई हो रही है। ना ही सिर्फ वो मेका गॉडजिला के अंदर जा रहा है, कोई और भी उसके अंदर आ रहा है। वो किसी और को अपने अंदर महसूस करता है, कोई ऐसा जो इस दुनिया का नहीं, कोई ऐसा जो लाखों साल से रह चुका है। रेन को ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ में डूबता जा रहा है और कोई और उसकी जगह आ रहा है। वो अपने हेलमेट को उतारने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ सुन्न हो चुके थे। रेन अपनी आंखें खोलता है और रियलाइज़ करता है कि वो मेका गॉडजिला के अंदर है, पर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लेकिन कोई और मेका गॉडजिला को कंट्रोल कर पा रहा है। रेन की आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है, इमेजेस सामने आने लगती हैं। उसे कुछ दूर किसी व्यक्ति की परछाई दिखाई देती है। पिताजी, व्यक्ति पीछे देखता है और मुस्कुराता है। इवेंचुअली वो भी अंधेरे में समा जाता है। अब रेन जा चुका था और वो आ गया था। मेका गॉडजिला सिटी को बर्बाद करने लगता है। मेडिसन यही सोचती है कि अगर कंट्रोल करने वाले के हेलमेट को उतार दिया जाए तो ये रुक जाएगा, पर जब वो कंट्रोल रूम में जाती है तो वहाँ कोई नहीं मिलता। वहाँ ना ही रेन था और ना ही उसकी लाश। यदि रेन मर गया होता तो कम से कम रेन की बॉडी वहाँ होनी चाहिए थी। नॉवलाइजेशन में यही बताया गया है कि किंग गिदोरा का एक पार्ट मेका गॉडजिला के अंदर और एक पार्ट रेन के अंदर गया है, इसलिए शायद रेन जिंदा हो सकता है, पर अब वो रेन नहीं गिदोरा है। और हो सकता है कि फ्यूचर में गिदोरा रेन की मदद से या तो मेका गॉडजिला को रीबिल्ड करे और या फिर अपने आप को दोबारा लाने की कोशिश करे। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप इसके बारे क्या सोचते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं और आप भी फैंस हैं डायनासोर से गॉडजिला के, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।